पोएट्री शुरू करते हैं आज की। अस्पताल में मेरा जन्म होने के साथ इसकी शुरुआत होती है, वो कौन था? क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बढ़ चुकी थी। याद नहीं मुझे कि पहले किसकी गोद में गिरा था, पर शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सर पे फिरा था। हाँ, खाने के वांदे थे हमारे घर में, पर फिर भी खिलौने सजा रखे थे, अपने सपने बीच में ही छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे। कौन था वो आदमी? क्योंकि लफ्ज़ों की दुनिया से तो मैं अभी भी अनजान था, पर ना काम ना दुनिया ना दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा ही उसकी असली जान था। दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता था, लेकिन घर आते ही सब छोड़ छाड़ कर कभी मुझे हवा में उछालता, कभी हाथी, कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाता रहता था। वो खुद अनपढ़ गवार रह गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले ना पड़ जाए इसलिए कंधे पर बिठा कर स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर खुद भूखे पेट सोता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, पर हर दिवाली में मुझे नए कपड़े पहनाता था? एक छोटे से घर का किराएदार था, चार लोगों के परिवार का बस वही एक सहारा था। माँ की दवाएं, बहन की शादी और मेरी हर खुशी के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाए, सर झुकाए किस्मत का मारा था। आखिर कौन था वो जिसे बुखार तो आता था लेकिन गोली नहीं लेता था, दर्द तो होता था लेकिन बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आता था उसकी प्यारी सी आंखों में लेकिन कभी बह नहीं पाता था? आखिर कौन था वो जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था, दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था पर मेरे लिए भाग रहा था? जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होने लगे, जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफ़ेद होने लगे। जो अब तक मेरी आंखों के साथी थे, आज वही आंसू उसकी आंखों से रोने लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफ़र मैंने उसके साथ तय किया था लेकिन अब जवानी मुझे दौड़ने के लिए कह रही थी और वो मेरे साथ नहीं दौड़ सकता था। इसीलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसे बीच राह में बेहाल बेसहारा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। आखिर भूल जो गया था कौन था वो, क्योंकि अब पैसे जो कमाने लगा था तो उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा दिलाती थी, और बेटा सब ठीक तो है ना, उसकी ये हमदर्दी भी मानो मेरे सीने में आग लगाती थी। वक्त ने करवट बदली, आज तक मैं किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था, वही सपने, वही ख्वाहिशें और वही छोटा सा चेहरा मेरा खुदा बन चुका था। इससे पहले कि मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर पाता, वक्त ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई ताकि वही वक्त मुझ पर हंस पाता, और अगली सुबह मेरे माथे की सबसे मजबूत छत का हर एक पन्ना खाक बन चुका था, क्योंकि वो मेरा बाप था जो राख बन चुका था।